नमस्कार दोस्तों, एक मन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं एकलव्य तो आपको कहानियाँ कविताएं तो सुनाता ही था, आज मैं और मेरे दोस्त भी एक नाटक लेके आए हैं और उस नाटक का नाम है ऐसे भी बच्चे। तो चलिए कुछ अच्छा सुनते हैं। नाटक ऐसे भी बच्चे। एक सुबह कुछ विद्यार्थी अपने अपने कंधों पर बस्ते लटकाए स्कूल जा रहे थे। उनके चेहरों पर उत्साह और प्रसन्नता थी। सर्दी के कारण उन्होंने ऊपर से नीचे तक ऊनी वस्त्र पहने हुए थे। उसी सड़क पर कुछ अधनंगे बच्चे नंगे पांव कंधे पर फटी बोरी टांगे फटे पुराने कागजों के टुकड़े इधर उधर बिखरी प्लास्टिक की गंदी थैलियां चुन रहे थे। उनके कुम्हलाए मुख और पपड़ाए होठ भूख व ठंड की कहानी कह रहे थे। स्कूल जाते बच्चों को ये सदा टकटकी लगाकर देखते थे। हीरा मोती से कहता है, मैं सुबह जब इन बच्चों को स्कूल जाते देखता हूँ तो सोचता हूँ क्या मेरे कंधे पर भी कभी बस्ता होगा। लोग तो रात में सपने देखते हैं, तू तो दिन में ही सपने देखने लगा। हम गलियों में ही पैदा हुए हैं, गलियों में ही जिएंगे और गलियों में ही मर जाएंगे। बात तो ठीक है, लेकिन सपने देखना कोई बुरी बात नहीं। बिल्कुल बुरी बात नहीं, सपने देख, लेकिन बोरी रद्दी के, भरपेट रोटी और पूरा तन ढकने वाले कपड़े के। अपने सपने की बात किसी और से मत कहना, कहेंगे सूखी रोटी और बासी सब्जी भी जिन्हें नहीं मिलती वह महलों की बात करते हैं। कंधे पर टंगी बोरी संभालते हुए पन्ना हीरा और मोती के पास आती है। खाली, बिल्कुल खाली। अगर बोरी भरकर माल इकट्ठा नहीं किया तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। गप्पे मारना बंद करो और धंधे पर चलो। यह पन्ना जब भी मिलेगी चूल्हे की ही बात करेगी। चूल्हे को छोड़कर कुछ और सोचती है? सोचती तो हूँ, पर चूल्हा न जलने पर छोटे भाई बहनों को भूख से बिलखते नहीं देख सकती। उस दुर्घटना में जब से बापू मरा है तब से माँ ने खटिया पकड़ ली है। मेरी ही कमाई से घर में चूल्हा जलता है। हम गलियों के बच्चों के पास भूख, लाचारी और जिम्मेदारी ही है। मुझे तो ऐसा कोई दिन याद नहीं जब पेट भर के मन चाहा भोजन मिला हो। चलो अब धंधा शुरू करें। आकाश में बादल घिर आए हैं, वर्षा शुरू हो गई तो धंधा चौपट ही समझो। ठंड से दांत किटकिटाएंगे। हाँ, दोपहर के बाद पहलवान के ढाबे के बाहर मिलेंगे, हो सकता है कोई मेहरबान ही रोटी खिला दे। तीनों अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं। दूसरी सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे कागज चुनने वाले बच्चों को देखकर कहते हैं, जब मैं कड़कती ठंड में इन बच्चों को देखती हूँ तो लगता है इनका कोई बचपन नहीं है। गरीबी के कारण इन्हें बचपन में ही कमाने को मजबूर होना पड़ता है। हो सकता है ये बच्चे हमसे अधिक योग्य और बुद्धिमान हो। निशांत खींच भरे स्वर में कहता है, सुबह सुबह बिना सिर पैर की बात शुरू कर देती है। जब देखो उनके बारे में ही सोचती रहती है, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तुषार बिझड़कते हुए कहता है, अरे ये बच्चे हैं हमारे जैसे बच्चे। अंतर केवल इतना है कि हमारे माता पिता हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, इनके नहीं। इसलिए इनके जीवन में दुखों और अभावों का भंडार है। जब हम स्कूल जाते हैं तब हमारा पीछा करती इनकी आंखें बताती है कि ये भी स्कूल जाने का सपना देखते हैं। निशांत अपने साथियों से कहता है, अच्छा चलो पूछ कर देखते हैं। तुषार आवाज लगाकर, सुनो बच्चों। हीरा मोती और पन्ना उनके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। क्या तुम स्कूल जाना चाहते हो? बच्चे एक स्वर में बोलते हैं, हाँ, नहीं नहीं।
पर स्कूल जाएंगे तो कमाएंगे कैसे? अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? नहीं, हम स्कूल नहीं जा सकते। यदि कमाई और पढ़ाई एक साथ हो तो हम स्कूल जा सकते हैं। मेरा घर वहाँ कोने में है, काम के बाद मेरे घर आना। शाम को वह तीनों अर्चना के घर के आंगन में इकट्ठे होते हैं। अर्चना का कॉलेज में पढ़ने वाला बड़ा भाई मनोज भी वहाँ था। मनोज उन बच्चों से बोलता है, जो पढ़ना चाहते हैं वो कल 4 बजे बस अड्डे के पास वाले कॉलेज के बाहर आ जाना, मैं वहीं मिलूंगा। कुछ समय बीता, वह बच्चे पढ़ना लिखना सीख गए। एक दिन हीरा ने पढ़ाई लिखाई की बात अपने पिता को बता दी। उसके पिता ने उसे डांटना शुरू कर दिया। बस्ती के लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। मनोज भी वहाँ पहुँच गया। बापू, जब से मैंने गिनना सीखा है तब से दुकानदार मुझे धोखा नहीं दे पाता। जितने माल के पहले 10 रुपये देता था उतने के अब 20 रुपये देता है। मनोज वहाँ खड़े लोगों से कहता है, यदि ये बच्चे थोड़ा पढ़ लिख लेंगे तो कोई इन्हें लूट नहीं पाएगा। बड़े होने पर ये अपने बच्चों की देखभाल भी अच्छी तरह कर सकते हैं। अच्छा भैया, अब तो मैं ही नहीं मेरे साथी भी पढ़ना लिखना सीखेंगे। इस नाटक में मोती की आवाज दी है एकलव्य ने, हीरा की आद्या ने, पन्ना की प्रगुन ने, अर्चना की भव्या ने, निशांत की धैर्य ने, तुषार की नैतविक ने, मनोज की आरव कुश ने, हीरा के पिता की आवाज अर्णव सागवान ने। इस नाटक का सूत्रधार था लवे। धन्यवाद। एक मन पॉडकास्ट सुनते रहिए।